रिसेंट OS 5.3 का लेटेस्ट अपडेट आ गया है रेडमी नोट 4 के लिए, और इस अपडेट में जो है काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिलने वाले, साथ साथ न्यू बूट एनिमेशन भी मिलने वाला है। और यहाँ पे कस्टमाइजेशन तो आपको पता ही है कि इसका जो कस्टमाइजेशन है, कस्टमाइजेशन तो आपको मिलता ही है, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ अलग तरीके से ही आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है इसके अंदर। उसी तरीके से जो है यहाँ पर आपको और भी इंटरेस्टिंग जो है कस्टमाइजेशन देखने को मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना। और अगर आपको पूरी डिटेल्स में एक फीचर्स के बारे में जानना है तो पिछली वीडियो में फुल रिव्यू किया था, तो आप देख लेना, आई बटन पे दे दूंगा। बाकी यहाँ पे जो जो लेटेस्ट ऐड हुए हैं इस अपडेट में उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ सिर्फ, और काफ़ी सारे फीचर्स जो है ऐड हुए हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना। चलिए वीडियो हम जो है यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। अबाउट फोन के अंदर हमारा रिसेंट OS वर्जन 5.3 मिल जाता है। सोसाइटी मेंटेनर नेम जो है स्मोकी, और यहाँ पे विल टाइप आयरन है। एंड्रॉयड वर्जन 11 मिल जाता है। सिक्योरिटी पैच 5 अप्रैल 2021 की बिल्कुल लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है। कर्नल आपका पहले वाला ही स्कारलेट का ही है, बस यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है कर्नल को। सेलिनक्स स्टेटस जो कि हमारा यहाँ पे बिल्कुल इन्फोर्सिंग मिल जाता है। ये थे हमारे अबाउट। अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी सेटिंग्स के बारे में। तो कनेक्शन के अंदर ही जैसे कि आपका यहाँ पे कनेक्टर डिवाइस मिलता है और इसके अंदर कास्ट है, कास्ट हमारा काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। एंड अब हम यहाँ पे चलते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन में। तो साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर फिलहाल आपको इस अपडेट में चेंजेस तो देखने को नहीं मिलेगी, सारी सेटिंग्स सेम आपको मिल जाती है। यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता है। लाइव कैप्शन एंड नाउ प्लेइंग का ऑप्शन आपको नीचे लास्ट में जो है मिल जाता है। एंड यहाँ पर हम चलते हैं मेगालिथ के अंदर, जो कि मेगालिथ 11 है। इसके अंदर आपका जो इंटरफेस है, यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन तो आपका जो थीमिंग वाला है वो फिलहाल तो आपको पहले मिलता है, लेकिन सेटिंग्स जोन जो दिया गया है ये आपको न्यू ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे जो पहले सेटिंग्स की कस्टमाइजेशन थी आपको अलग अलग, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा अलग ही तरीके से कस्टमाइजेशन दे दिया गया, जिसमें आप यहाँ पे शोइंग ऑल कर सकते हो, प्रेफरेंस कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे जो है ऑप्शन दे दिया गया है काफ़ी सारे। तो इससे होता है कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, बैक करके भी चला मैं सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स का जो लेआउट है यहाँ से आप इस तरीके से चेंज कर पाओगे। यहाँ पे आपको ये एक ऑप्शन यहाँ पे इसके लिए दिया गया है, लेकिन दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे क्या है तो पहले अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे जो है MIUI जैसा हेडर नेम देखने को मिलता था ऊपर, जैसे कैसे इंटरफेस देखने को मिल रहा है ऊपर में, उसके लिए जो है आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। तो इसका OneUI जैसा भी आप कर सकते हो ये चाहो तो। अभी MIUI जैसा हो गया है, अभी आपको दिखाता हूँ इसके अंदर ही, जैसे कि मैं यहाँ पे किसी भी सेटिंग में चल के आपको दिखा दूँ, तो डिस्प्ले भी आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, बिल्कुल MIUI में जैसे हेडर देखने को मिलता है नेम, उस तरीके से देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको एक ऑप्शन और भी दे दिया गया है अभी फिलहाल इसके अंदर, तो यहाँ पे बाउंस ही हम कर देते तो कुछ इस तरीके से हो जाता है ये। और सेटिंग्स जो कि क्लिप बोर्ड यहाँ पर दिया गया है OneUI वाला, तो अब जो है ये कुछ इस तरीके से OneUI वाला हो जाता है। ये सेटिंग्स जोन जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है ये पूरा का पूरा न्यू आपको देखने को मिलता है। तो पहले सिर्फ ये बाय डिफॉल्ट इनेबल था, लेकिन अभी हमें ऑप्शन मिल जाता है इसे कस्टमाइज़ करने का कि आपको किस तरीके से बोल्ड में चाहिए या फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस, इस तरीके से ऑप्शन जो दिए गए हैं सारे OneUI जैसा, ये सारी कस्टमाइज आप कर पाओगे अब। एंड नीचे सारे ऑप्शन तो आपको सेम मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे QS एक्सपेंडेड पेंडिंग का जो ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन पहले भी थे, लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शन सिर्फ अंदर इसके मिल जाता था कि मीडियम चाहिए, लार्ज चाहिए, इस तरीके से। लेकिन अभी आप रैंडम बिल्कुल अपने हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से रख सकते हो कि इसका जो क्लॉक का साइज़ है कितना रहना चाहिए, आप यहाँ पे कस्टमाइज इस तरीके से जो है रैंडम आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर पाओगे। अब पहले था कि यहाँ पे मीडियम लार्ज इस तरीके से सिर्फ ऑप्शन थे, लेकिन अभी आपको यहाँ पे स्लाइड करके आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे कि कितना आपको जो है यहाँ पे पैडिंग जो है स्पेस या फिर चाहिए, या फिर क्लॉक आपका हाइट कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप अब इस तरीके से कस्टमाइज कर पाओगे। साथ साथ टॉप एरिया पैडिंग जो है सेटिंग्स का वो भी आप कस्टमाइज कर पाओगे इस तरीके से, मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे। आप देख सकते हो कितना स्पेस है। तो इस तरीके से जो है ये ऑप्शन आपको तीनों जो है देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं कि इस तरीके से आप जो है आप कंट्रोल कर पाओगे। पहले सिर्फ ऑप्शन थे मीडियम लार्ज इस तरीके से ऑप्शन थे, लेकिन अभी आपको फिलहाल यहाँ पे कंट्रोल का ऑप्शन, मतलब कंट्रोल के लिए दे दिया गया है कि अपने हिसाब से अपने परसेंटेज के हिसाब से आप जो है यहाँ पे कर सकते हो। नीचे यहाँ पे आप देखोगे तो QS डिस्को तक ही पहले हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक्टिव बैकग्राउंड स्टाइल जो दिया गया है तो इससे क्या है कि जैसे कि मैं यहाँ पे रेनबो सेलेक्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे अभी दिखा देता हूँ, ये जो नीचे के जितने भी ऑप्शन हैं आपको न्यू देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे एडिट पे चलता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी एक्टिव हैं उन पे आपको जो है यहाँ पे ये बिल्कुल रेनबो कलर देखने को मिल रहा है, तो एक्टिव वाले के लिए हो गए। अब नीचे यहाँ पे फूटर आइकन हो गया, तो इससे क्या है कि यहाँ पे मैं रेनबो करता हूँ फूटर, तो जैसे कि मैं आशीष TS07 लिखा हूँ फिलहाल, इसे मैं बैक करता हूँ यहाँ पे, तो ये वाला है जैसे कि आशीष TS लिखा हूँ, तो इसका जो है रेनबो कलर हो चुका है, तो इसके लिए दिया हुआ है। एंड नीचे अभी आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो यहाँ पे टिंट QS स्टाइल डिसेबल बैकग्राउंड स्टाइल मिल जाता है रेनबो के लिए, तो अभी इसी पे अगर रेनबो कर दूंगा तो जो डिसेबल उन पे हो जाएगा, और यहाँ पे रेनबो टाइल आइकन, तो अब आइकन्स पे आप जो आपके यहाँ पे दिए गए हैं आप देख सकते हो, यहाँ पे जो जो हमारे इनेबल है उन पे नहीं हुआ है, जो डिसेबल हुए पड़े हैं उन सभी पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो है चेंज
हो चुका है। तो इस तरीके से आइकन्स पे आपको मिल जाता है टाइल्स वाले पे, एंड यहाँ पे आपका ये आप डिसेबल कर देते हैं रेनबो टाइल टाइटल। अब नेम पे अब इस पे करेंगे तो हमारे जितने भी टॉगल्स हैं उनके नेम पे जो है कलर चेंज मिलेगा, तो ये आपको मिल जाता है। स्टेटस बार के अंदर डुअल रो पहले भी देखने को मिलता था, लेकिन नीचे हमें जो है स्टेटस बार लेआउट ऑप्शन ये पहले देखने को नहीं मिलता था, ये आपको न्यू मिल जाता है जिसमें आईओ स्टाइल आप कर सक पाओगे आप। तो अब जो है ये आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पे डुअल बार, आप जो है यहाँ पे स्टेटस बार को इनेबल कर पाओगे, जिसमें छोटी सी क्लॉक है उसका हाइट आप एडजस्ट यहाँ पे फिलहाल तो अभी दिया नहीं यहाँ पे, लेकिन सेटिंग्स में दिया हुआ है आपको इंटरफेस के अंदर। नीचे आपको यहाँ पे कैरियर लेवल जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है, साथ साथ फूटर कैरियर मिल जाता है जिसमें आसिस्टी H07 लिखा हूँ मैं, ये फिलहाल आपका यहाँ पे जैसे कि ये देख सकते हो यही ऑप्शन आपको एक और दिया गया जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल ये तो हमारे देखने को यहाँ पे मिल जाता है जिसको आप लिख पाओगे ऊपर स्टेटस बार पे, एंड बाकी नीचे सभी ऑप्शंस पहले वाले हैं। अगर हम चले नोटिफिकेशन के अंदर तो यहाँ पे फिलहाल आपका एक भी ऑप्शन न्यू देखने को नहीं मिलता, सारे के सारे ऑप्शन जो हैं इन कॉल वाइब्रेशन ये सभी ऑप्शंस आपके पहले वाले हैं, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। क्विक सेटिंग्स के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे आपका ब्लर बिहाइंड क्विक सेटिंग्स जो है ये आपको न्यू देखने को मिलने वाला, ब्लर आप देख सकते हो यहाँ पे, आप अपने हिसाब से ब्लर अल्फा जो है अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन ब्लर कंट्रोल करने के लिए दिया गया है। क्यूएस मीडिया प्लेयर ये पहले थे, हेडर इमेज आपका मिल जाता है, हाइट एडजस्ट करने के लिए बाहर है, ये सारी चीज़ें पहले थी तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। क्विक जो पुल डाउन है, और यहाँ पे क्यूएस फूटर टेक्स्ट आप देखोगे तो यहाँ पे भी दिया गया है, जैसे कि मैं यहाँ पे ATS लिखा हूँ इनेबल अभी ये, तो आप देख सकते हो आशीष TS के आगे ATS लिखा हुआ है। तो ये फिलहाल हमें क्यूएस फूटर टेक्स्ट इसके अंदर दो दो देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे भी है। और नीचे यहाँ पे अब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा रो एंड कॉलम सेटिंग्स पहले था सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे जो है हमें हमारा, तो मैं इसे जो है थोड़ा सा भी इसके क्विक सेटिंग्स में चलता, और यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाता हूं जो कि दो ऑप्शन न्यू देखने को मिलने वाले, जो कि ब्राइटनेस प्रोग्रेस टेक्स्ट। तो ये क्या है कि पहले हम जो है ब्राइटनेस स्लाइड यहाँ पे करते थे लेकिन कितना परसेंट है वो हमें नहीं पता चलता था, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन दे दिया गया है जो कि आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कितना परसेंट जो है ब्राइटनेस आपका अभी फिलहाल कर रखे हो आप कितने परसेंट पे, और साथ साथ यहाँ पे स्लाइडर को जो है बॉटम पे भी आप कर पाओगे। तो नीचे के लास्ट दो ऑप्शन आपको यहाँ पे न्यू देखने को मिलेंगे यहाँ पे भी, एंड जेस्चर के अंदर फिलहाल आपको एक भी चेंज देखने को नहीं मिल जाता, जितने भी ऑप्शन हैं सभी के सभी पहले वाले, आपका जेस्चर भी यहाँ पे काम करता है, बस नेविगेशन बार के अंदर से आपको ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार जो है इनेबल करना पड़ेगा, उसके बाद फुल स्क्रीन जेस्चर भी आप यूज़ कर पाओगे जो कि आगे बता दूंगा कहाँ से इनेबल होता है। एंड अब हम चलते हैं पावर मेन्यू में, तो यहाँ पे भी हमें कुछ लेटेस्ट देखने को नहीं मिलने वाला, सारा का सारा ऑप्शन पहले वाला है। और नेविगेशन बार जहाँ से आप इनेबल कर सकते हो अपने नेविगेशन बार को, और आप वहाँ पर जाकर के जेस्चर सेलेक्ट करोगे फुल स्क्रीन जेस्चर भी आप जो है यूज़ कर पाओगे, ये आपका काम करता है। एंड एनिमेशन में आपका कोई चेंजेस नहीं है, पहले वाली सारी सेटिंग्स है। और अब हम यहाँ पे चलते हैं फिलहाल इसके बटन्स के अंदर, जहाँ पे हमें डिसेबल की मिल जाता है और साथ साथ बैकलाइट हमारा काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी फिलहाल आपका जो है यहाँ पे चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे चलते हैं नीचे, तो नीचे आपको देखने को मिल जाता है रिंगिंग नोटिफिकेशन अलार्म वॉइस ब्लूटूथ, ये चारों पाँचों ऑप्शन जो है न्यू मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम आप जो है यहाँ पे आपको जो है जिसका चाहो उसका इनेबल कर सकते हो, वहाँ पे ऑप्शन आपको जो है एक्सपेंड के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ इनेबल है तो आपका मीडिया वाला है, ब्लूटूथ वाला है, तो यहाँ पर जो है आप इस तरीके से इनेबल कर पाओगे। तो ये पांचों ऑप्शन लास्ट वाले न्यू देखने को मिलते हैं इसके अंदर, जो कि वॉल्यूम पैनल पे आपको मिलेंगे। बैटरी के अंदर आपको अग्रेसिव बैटरी जो है न्यू देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर हम चलते हैं मिसलेनियस के अंदर, तो मिसलेनियस के अंदर फिलहाल आपका अम्बिन डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें आप यहाँ पे ऑलवेज ऑन आपका काम कर रहा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और ये सभी के सभी ऑप्शन पहले वाले हैं, और यहीं पर आपको वॉल्यूम पैनल स्टाइल भी मिल जाता है। और लास्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे मिलता है लॉक स्क्रीन, जिसके अंदर आपका AOD शेड्यूल्स मिल जाता है, AOD जो है आप शेड्यूल्स भी लगा पाओगे अब यहाँ पे, तो ये आपको न्यू मिल जाता है। बाकी जितने भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं सभी के सभी पहले वाले, चार्जिंग एनिमेशन भी आपको पहले वाले, सारी चीज़ें मिलती है। एंड अब हम चलते हैं डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले के अंदर आपका कुछ भी न्यू नहीं है, जैसा पहले था उसी तरीके से डबल टैप टू बैक काम कर रहा है हमारा। थीम्स फिलहाल आपका यहाँ पे थीम इस तरीके से मिल जाता है, स्टाइल ग्रिड मिल जाता है, क्लॉक स्टाइल आपको दो न्यू मिलेगा, फ्लूइड का एंड IDE, ये दो आपको क्लॉक स्टाइल न्यू मिल जाता है इसके अंदर। वॉलपेपर भी है साथ साथ आपका न्यू देखने को मिलने वाला है इस अपडेट में, तो ये वॉलपेपर आपको बाय डिफॉल्ट मिलने वाला है इस बार यहाँ पे। एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन जो दिया गया इसके अंदर ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो ऑलवेज ऑन, जो कि हमारा काम करा बिल्कुल ऐसे तरीके से, नीचे नाउ प्लेइंग मिल जाता है, तो अभी पहले की तरह है। एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो सिक्योरिटी के अंदर हमारा यहाँ पे फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक एंड ऐप लॉकर यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके फिंगरप्रिंट के बारे में। सबसे पहले फिंगरप्रिंट जो है इसका फिलहाल अभी उतना ज़्यादा फास्ट नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो टैप करने के बाद हम यहाँ पे इसे जो है फ्लिप कर लेते हैं, फिर तब जाके ये ऑन होता है। बाकी फेस अनलॉक जो है ठीक ठाक काम कर रहा है। एंड यहाँ पे ऐप लॉकर जो है फिलहाल इसके अंदर का आप यूज़ करो, ज़्यादा सिक्योर रहेगा, लॉन्चर में भी है लेकिन ये वाला ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। एंड ये स्क्रीन लॉक सेटिंग्स है तो पहले की तरह है। एंड यहाँ पे हम चलते हैं फिलहाल अपने
बैटरी के अंदर, तो बैटरी के अंदर भी एक ऑप्शन न्यू मिलता है स्मार्ट कट ऑफ का, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे न्यू देखने को मिलेगा इस अपडेट में। नीचे बैटरी हेल्थ मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो 2 आवर फुल ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 62% बैटरी हमें यहाँ पे देखने को मिली और पिछले अपडेट में 65% थी, तो 3% जरूर डाउन यहाँ पे देखने को मिल रही है बैटरी बैकअप पिछले अपडेट के मुकाबले। एंड यहाँ पे हम चलते हैं डिजिटल वेलबींग की तरफ। तो फिलहाल ये जो है हमारा यहाँ पे सारे एक्टिविटीज़ नोटिफिकेशन सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है, यहाँ पे फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। सोमी पार्ट्स के अंदर पिछले अपडेट में जो कि हमारा यहाँ पे MI साउंड एनहांसर है इसके अंदर बग था, लेकिन अभी जो है ये काम कर रहा है और यहाँ पे FPS इन्फो हमारा काम करता है। बाकी यहाँ पे आपका स्मार्ट जो कि इनेबल टच बूस्ट का ऑप्शन है ये आपको न्यू देखने को मिलेगा, बाकी जितने भी ऑप्शन हैं सब पहले वाले हैं, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं। बाकी जनरल मैनेजमेंट आपका जो है पहले की तरह है, यहाँ पे भी कुछ न्यू आपको नहीं मिलता। डेवलपर ऑप्शन एंड सिस्टम अपडेट लास्ट में हमें यहाँ पे मिल जाता है इसके अंदर। और स्टेटस बार के अंदर चलते हैं, तो स्टेटस बार में भी आपका जो है यहाँ पे टॉगल जो है आपको एक न्यू देखने को मिल जाता है, जो कि आपको अब दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ पे तो सारे के सारे टॉगल्स आपको पहले वाले मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यू कौन सा है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है हेडसअप, जो कि लास्ट में हमें मिलता है। ये जो है आपको न्यू देखने को मिलेगा, बाकी जितने भी हैं पहले भी हमें देखने को मिल जाता है और यहाँ पे न्यू नहीं है। तो टॉगल में फिलहाल आपको न्यू देखने को उतना कुछ नहीं मिलता। अगर हम बात करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किस तरीके जो है यहाँ पे काम कर रही है हमारी, तो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो अभी भी जो है लैग हमें मिल रहा है, हालांकि उतना बिल्कुल हैवी वाला लैग नहीं है, लेकिन हाँ लैग ज़रूर आपको यहाँ पे हल्का देखने को मिल जा रहा है। वॉल्यूम पैनल के बारे में बता ही दिया, ये सब कैसे ऐड होता है आपको। एंड यहाँ पे हमारा जो पावर मेन्यू है इसके अंदर एडवांस का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी अगर हम चलते हैं ऐप ओपनिंग की तरफ, तो ऐप ओपनिंग जो है यहाँ पे आपकी अभी भी कभी कभार स्लो में बिल्कुल ऐप ओपन होता है और कभी कभार एनिमेशन लैग देखने को मिल जाता है, तो आपको मिलेगा अभी भी यहाँ पे फिलहाल एनिमेशन लैग। एंड नीचे अगर हम बात करें तो नीचे जो ऑप्शन है फिलहाल यहाँ पे पहले अलग ही था, बिल्कुल आइकन जैसे होते हैं उस तरीके से राउंड था, लेकिन अभी फिलहाल जैसे कि बाकी रोम में उस तरीके से है। स्क्रीनशॉट में सिर्फ इतने ही ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है 3 फिंगर स्क्रीनशॉट पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट मिल जाता है और ये बिल्कुल ऐसे तरीके से काम करता है। यहाँ पे फिलहाल अभी लॉन्ग के लिए है नहीं स्पेस उतना, इसलिए यहाँ पे नो मोर कंटेंट बता रहा है, बाकी ये आपका फुल अच्छे तरीके से लॉन्ग स्क्रीनशॉट काम कर रहा है। एंड अब बात करते हैं यहाँ पे इसके कैमरे के बारे में, तो डिफ़ॉल्ट कैमरा गो है और इसके अंदर जो है ये ऑप्शन भी दिया गया है फिलहाल, वो काम नहीं करता अभी फिलहाल। इसके अंदर एक वॉके का ऑप्शन दिया गया, वो काम नहीं करता। बाकी यहाँ पे हमारा जो GCam 8.1, आप यहाँ से आराम से पोर्ट्रेट मोड क्लिक करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका FM काम कर रहा अच्छे तरीके से। और यहाँ पे हमारा जो प्ले स्टोर है ये पहले की तरह है, जैसा पहले सर्टिफाइड था उसी तरीके से अभी भी आपको सर्टिफाइड मिल जाता है, तो बैंकिंग ऐप यूज़ करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप यूज़ कर पाओगे। कॉलिंग के अंदर हमारा यहाँ पे वोल्टी काम कर रहा है और साथ साथ वीडियो कॉल भी हमारा वर्किंग मिल जाता है इसके अंदर। और यहाँ पे जो है आपका जो ब्लूटूथ ऑडियो है वो भी बिल्कुल ऐसे तरीके से काम कर रहा है, टेस्ट कर चुका, वो भी जो है अच्छे से काम कर रहा है, उसके अंदर जो है हमें दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। एनएनडोटू स्कोर की बात करें तो 104,048 का स्कोर मिलता है, पिछले अपडेट में 105,000 था, तो 1,000 ज़्यादा था, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट सेम ही है स्कोर पिछले अपडेट और इस अपडेट का, स्कोर में हमें जो है फ़र्क फिलहाल देखने को नहीं मिला। बात करते हैं इसके बूट एनिमेशन के बारे में, तो बूट एनिमेशन आपका चेंज हो चुका है और काफ़ी अच्छा है अब फिलहाल, तो अभी जो है कुछ इस तरीके से आपको बूट एनिमेशन मिल जाता है, थोड़ी देर आपको इसी तरीके से लोगो देखने को मिलेगा, उसके बाद जैसे ये एनिमेशन आया था उसी तरीके से वापस जाएगा, जैसे इन एंड आउट का जैसे एनिमेशन होता है उसी तरीके फिलहाल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ये बूट एनिमेशन। तो ये था बूट एनिमेशन। एंड यहाँ पे हम गेम की बात करते हैं, तो गेम के अंदर आपका ग्राफिक तो सेम ही रहने वाला है, स्मूथ पे हाई, बैलेंस पे मीडियम, लेकिन हम यहाँ पे अगर आपको अनलॉक करना है ग्राफिक तो उसकी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना, आपको मिल जाएगी रूट एंड विदाउट रूट दोनों मेथड से। एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी पबजी परफॉर्मेंस को लेकर के, तो पबजी परफॉर्मेंस जो है ज़रूर यहाँ पे थोड़ी सी इंप्रूव आपको देखने को मिलेगी, इसका जो टच रिस्पॉन्स है थोड़ा सा आपको बेटर देखने को मिल जाता है। और इसके जो सोमी पार्ट्स है उसके अंदर जो टच बूस्ट वाला जो ऑप्शन दिया है उसको इनेबल कर लेना, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको डिसेबल मिलेगा, उसको इनेबल कर लेना, उसके बाद पबजी खेलना, थोड़ा सा अगर जो आपका टच रिस्पॉन्स है वो आपको ज़रूर थोड़ी सी बेटर आपको पिछले अपडेट के मुकाबले देखने को मिलेगा। और हैवी लैग, अगर हम हैवी लैग की बात करें तो वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता था, ये ज़रूर आपको इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है परफॉर्मेंस के मामले में, इसके गेमिंग में ये थोड़ी सी बेटर है। हालांकि क्लोज रेंज में आपको ज़रूर अभी प्रॉब्लम देगा, लेकिन ऐसे जो है आपका पहले लैग करता था उतना, लेकिन अभी जो है पहले से थोड़ा सा आपको बेटर ज़रूर यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा गेमिंग में भी। तो बस यही सारी चीज़ थी आज की इस वीडियो में और यही सारी चेंजेस थे जो भी आपको यहाँ पे मैं बताया हूँ, तो यही सारी चेंजेस आपको मिलेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।